नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, रोहित शर्मा को जब मिला मैन ऑफ द मैच तो रोहित शर्मा ने कहा मेरे से ज्यादा ये खिलाड़ी करता था मैन ऑफ द मैच को डिजर्व। जी हाँ, आप सभी को पता होगा टीम इंडिया इंग्लैंड को दोस्तों पूरे 157 रनों से हरा चुकी है और टीम इंडिया बेहद ही शानदार जीत इंग्लैंड पर हासिल कर चुकी है। लेकिन इसी बीच मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोहित शर्मा ने दोस्तों बहुत ही अच्छी और तूफानी पारी खेली थी और 127 रनों की पारी की वजह से रोहित शर्मा ने हारे हुए मैच को भी पलट दिया और टीम इंडिया की झोली में लाकर डाल दिया। इस मैच में दोस्तों जितना रोहित शर्मा हीरो रहे उतना ही केएल राहुल और शार्दुल ठाकुर इसके अलावा ऋषभ पंत भी हीरो रहे, क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों ने अपना 100% दिया और इस वजह से टीम इंडिया इस मैच को जीत पाई। हालांकि मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, लेकिन इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने जब मैन ऑफ द मैच लिया तो उन्होंने कुछ और ही बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है रोहित शर्मा ने, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। ओवल टेस्ट मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब रोहित शर्मा को दिया गया। रोहित शर्मा ने इस मैच की पहली पारी में तो सिर्फ 11 रन बनाया, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने 127 रन बनाकर टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रोहित को उनकी इस पारी के लिए मैच का बेस्ट प्लेयर चुना गया, लेकिन उन्होंने शार्दुल ठाकुर के बारे में बेहद ही शानदार टिप्पणी करते हुए कहा मुझसे ज्यादा ये खिताब शार्दुल ठाकुर डिजर्व करते थे। रोहित शर्मा ने मैन ऑफ द मैच चुने जाने के बाद कहा कि मैदान पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता था, दूसरी पारी खास थी और मेरे लिए ये शतक भी खास था। विराट ने सिर्फ बल्लेबाजों के प्रयास की सराहना की, लेकिन एक यूनिट के तौर पर यह काफ़ी महत्वपूर्ण था। मैं खुश हूँ कि अपनी पारी से मैं टीम को बेहतर स्थिति में ला सका। तिहाई अंक तक पहुंचना मेरे दिमाग में नहीं था, बल्लेबाजों पर दबाव था और हमने स्थिति के मुताबिक बल्लेबाजी की। मैं पारी की शुरुआत की अहमियत जानता हूँ और मुझे खुशी है कि मैंने इसमें सहयोग दिया। आपको बता दें, इस मैच में शार्दुल ठाकुर का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा, खास तौर पर उन्होंने जिस तरह से दोनों पारियों में बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ रही। उन्होंने पहली पारी में 36 गेंदों पर 57 रन बनाया था, तो वहीं दूसरी पारी में भी उन्होंने 60 रन की अहम पारी खेली। उनकी इन पारियों ने टीम की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने पहली पारी में 1 विकेट जबकि दूसरी पारी में 2 विकेट भी चटकाए। शार्दुल के इस हरफनमौला प्रदर्शन को देखते हुए ही रोहित ने कहा कि मुझसे ज़्यादा ये अवार्ड शार्दुल डिजर्व करते थे। यहाँ आपको एक और जानकारी दे दें कि ओवल मैदान पर बतौर एशियाई खिलाड़ी यूनिस खान और रोहित शर्मा ने ही मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है। तो इस तरह से दोस्तों रोहित शर्मा ने दरियादिली दिखाई और उन्होंने बताया कि शार्दुल ठाकुर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ज़्यादा डिजर्व करते थे। तो क्या आपको भी यही लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।